कंट्री इनसाइड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल श्रीवास्तव आज के कुछ खास समाचार के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की, उनकी सरकार कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड बनाएगी और एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक सभी सिनेमा हॉल, स्टेडियम और ऑडिटोरियम बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थानों को 15 अप्रैल तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने नौसेना में महिला अधिकारियों को दिया स्थायी कमीशन। न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का मार्ग प्रशस्त किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि नौसेना में महिला अधिकारी सभी परिणामी लाभों के साथ स्थायी आयोग की हकदार होंगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार बीएड परीक्षा का एडमिट कार्ड 23 मार्च 2020 को जारी करेगा। जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, वे बिहार बीएड की आधिकारिक साइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 23 मार्च से 29 मार्च तक आधिकारिक साइट पर उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के साथ साथ एक आर्थिक तबाही के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगले 6 महीनों में हमारे लोग अकल्पनीय पीड़ा से गुजरने वाले हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार को एक फ्लोर टेस्ट आयोजित करने के लिए नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश में 2019 का चुनाव हारने वाली ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से अपना 18 साल का जुड़ाव खत्म कर लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। भारत ने नेपाल में नए स्कूलों के निर्माण के लिए नेपाल के साथ 16 मार्च 20 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। माओ के तहत भारत 107.01 मिलियन नेपाली रुपए का मदद करेगा। भारत ने समझौते के प्रारंभिक चरण के रूप में 8 लाख रुपए का चेक नेपाल को सौंपा। भारत और नेपाल का सदियों पुराना रिश्ता है। भारतीय क्रिकेट